जय जिनेन्द्र साथियों, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, आज के युग में शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर लाइफ में कुछ पाना हो, आगे बढ़ना हो, तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन आज के टीनेजर्स शायद पूरे कंसंट्रेशन के साथ और एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके एक हाथ में तो पुस्तक है, लेकिन दूसरे हाथ में मनोरंजन के संसाधन जैसे कि मोबाइल फोन और टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल है। आज अगर बच्चा सिक्स क्लास से सेवेंथ क्लास में जाता है तो सिक्स क्लास की सीखी हुई अधिकांश बातें भूल जाता है। ऐसे में धन्य है जैन शासन के साधु साध्वी जी भगवंत, जो सदैव ज्ञान में रत रहते हैं। आज जब बच्चा पिछली क्लास की सीखी हुई अधिकांश बातों को भूल जाता है, ऐसे में हमारे शासन के बाल मुनि हजारों श्लोकों को कंठस्थ याद करते हैं और लाखों लोगों के सामने सभा में सुनाते हैं। अभी कुछ समय पहले ही दीपावली महापर्व के अवसर पर एक बाल मुनि ने उत्तराध्ययन सूत्र का श्रवण हजारों भक्तों को कराया था, तो एक बाल मुनि ने कई न्यूज चैनल्स पर कई रिपोर्टर्स के सामने सभी सवालों के हाजिर पर सही जवाब दिए। जिन शासन में अनेक गुरु भगवंतों ने, साध्वी जी भगवंतों ने वर्तमान में शतावधान प्रयोग किए हैं, जहाँ व्यक्ति आज एक वाक्य सुनकर भी याद नहीं रख सकता, वहाँ पर वह 100 प्रश्नों को एक साथ सुनते हैं, वह सभी के क्रमबद्ध व सही उत्तर बताते हैं। यह है प्रभु महावीर के दिव्य आलौकिक ज्ञान संपदा को धारण किए हमारे जैन धर्म के श्रवण श्रवणी भगवंत। सभी श्रवण श्रवणी भगवंतों को कोटि कोटि नमन। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने व्यूज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब व फॉलो करें और जैन धर्म का अनुसरण व पालन करें। जय जय।